Thank you very much. मुझे यही चाहिए। नहीं। टॉप सैवेज एंड फनी रिप्लाई ऑफ टोनी स्टार्क। अबे जल्दी बोल। ओके ओके नंबर 7 पे है ये। कुछ बताया? नहीं, उसने कहा बाहर में जाओ, पर मैं हेडक्वार्टर्स जा रहा हूँ और आप जब चाहे मुझे फोन कर सकते हैं। उठाऊंगा नहीं, लेकिन होल्ड पे रख के म्यूजिक जरूर सुनाऊंगा। बाद में इसने उसे सच में होल्ड पे गाने सुनाए। टोनी, यहाँ एक प्रॉब्लम है। जरा होल्ड कीजिए। नहीं सुनो मेरी बात। नंबर 6। इन सब के बावजूद आप सुकून से सोते होंगे। मैं तुम्हारे साथ भी सुकून से सोने को तैयार हूँ। इसके बाद क्या हुआ सबको पता है। नंबर 5। हैंक पेम हमेशा कहते थे किसी स्टार्क पर भरोसा मत करना। तू कौन है बे? दो शब्द, सिर्फ दो शब्द ही काफी है। नंबर 4। तुम नहीं जानते तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। नाटक कंपनी के साइड हीरो से। भाई इस आदमी को किसी का भी डर नहीं है। कमीने स्टार्क, चोटी मास्टर, इमोशनल डैमेज। ये तो सबका फेवरेट है। ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। नंबर 2। हाँ, कवच के अंदर एक घमंडी आदमी, उसे उतार दो तो तुम क्या हो? जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवा। ये तो अच्छा है ही, लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हारे लिए हर चीज मजाक है क्या? तुम्हें कोई तकलीफ ना? इस कमरे में कौन ऐसा है जो पहली बात झंडा पहन के घूम रहा है और दूसरी बात न काम का न धाम का? नंबर 1। ये नंबर 1 पे इसलिए रखा क्योंकि इसकी जगह अगर कोई और होता तो भाई उसकी अच्छा अच्छे लोगों की। क्योंकि इतनी भीड़ में सिर्फ टोनी ही बिना नर्वस हुए ऐसा सैवेज रिप्लाई दे सकता है। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं। वैश्यगिरी में कैसे हो सकते हैं आप, सेनेटर है, कम ऑन। वैसे आपका सबसे फेवरेट कौन सा है कमेंट में लिख के जाना यार।